रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकंड ईयर फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 13। आई एम शोएब अरशद, लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ एंड द यूज़ेस ऑफ गाज़ीज़ लॉ। तो डेफिनेशन पहले करते हैं। द फ्लक्स इनक्लोज्ड इन अ सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। डेफिनेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ। डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल ए। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो डेल यूज़ होगा। अगर गाज़ीज़ लॉ हमें यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। ओनली द चार्ज इनक्लोज विद अ वॉल्यूम डिफाइंड बाय अ क्लोज सरफेस कंट्रीब्यूट टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। के जो वॉल्यूम के अंदर चार्ज होगा वो नेट फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। दैट नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज विद इन द वॉल्यूम। के वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज होगा वही सारे का सारा फ्लक्स को डिफाइन करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि नेट चार्ज इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इनक्लोज इन अ वॉल्यूम। के वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जैसे कि इस शेप में दिखाई दिया जा रहा है, इसमें दिखाई दिया जा रहा है। नेक्स्ट, गाज़ीज़ सरफेस इन एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस नेसेसिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजेस गाज़ीज़ लॉ। कि गाज़ीज़ सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, कि फर्ज किया कि एक चार्ज है तो उसके गिर्द हम एक राउंड शेप में एक सरफेस बना देंगे, इररेगुलर सरफेस बना देंगे, आर्बिट्रेरी सरफेस बना देंगे, तो उसको हम गाज़ीज़ सरफेस बोलते हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। या एक दो या तीन चार्जेस होंगे तो उसके गिर्द एक गोल सर्कल बना देंगे तो उसको हम गाज़ीज़ सरफेस बोल सकते हैं। जब वो सर्कल लगा देंगे तो जो भी बात करेंगे उस सरफेस के अंदर या वो उस गाज़ीज़ सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा सिर्फ उसकी बात करेंगे। यहाँ पे भी हमें गाज़ीज़ सरफेस नज़र आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप में नज़र आ रहा है और ये पॉइंट चार्ज में नज़र आ रहा है। गाज़ीज़ लॉ कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। गाज़ीज़ लॉ बेसिकली यूज़ ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए होता है। अवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री। कि अगर कोई बहुत बड़ी शेप हो उसके अंदर हम चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स को कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब उस सरफेस के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गाज़ीन सरफेस यूज़ करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जब गाज़ीन सरफेस यूज़ करके कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम गाज़ीज़ लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो गाज़ीज़ लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। रिजल्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स गाज़ीज़ लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे हालो चार्ज है, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसके बाद प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पे भी इनफिनाइट शीट देख रहे हैं और पॉइंट चार्ज भी देख रहे हैं, इसके अलावा चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स भी देख रहे हैं, तो इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं हम। पॉइंट टू थिंक अबाउट इज़ ई नेसेसरी ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज डबल बैलून इफ़ बैलून इज़ स्फेरिकल। Assume that charge is contributed uniformly over the surface. के रबर बैलून जो है उसके अंदर E का ज़ीरो होना क्या ज़रूरी है अगर उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। योर रिस्पॉन्स विल बी कंसिडर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू।